बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस पे वेलकम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसका लेक्चर नंबर 18 कोविड-19 फेज 2 का और लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है ये हमारा आज का टॉपिक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों जो है ये डिप्लोहैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। यहाँ इसको हम सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, पहले तो हमें पता होना चाहिए जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं। जिम्नो का मतलब है नेकेड और स्पर्म का मतलब है सीडेड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके सीड जो है वो नेकेड होते हो, ओपन हो या डायरेक्ट हम आई के जरिए उनको देख सकते हो, इन प्लांट्स को हम नाम देते हैं जिम्नोस्पर्म। और इसकी एग्जाम्पल हम देते हैं सनफ्लावर्स। जिम्नोस्पर्म भी डिप्लोहैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल को शो करता है। इसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होती है और हैप्लॉइड जो है वो गैमेटोफाइट होती है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन किस तरह है, हमारे पास एक प्लांट है, ट्री है, जिसको हम नाम देते हैं पाइनस ट्री का। यहां से आप शुरू करेंगे, अपनी बुक उठा लें आप अपने पास। पाइनस ट्री डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन है। पाइनस ट्री के ऊपर कुछ ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। एक ब्रांच जो है उसको नाम देते हैं फीमेल कोन ऑफ मेगास्पोरोफिल और दूसरी ब्रांच जो है उसको हम नाम देते हैं मेल कोन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स होते हैं और मेगास्पोरोफिल्स के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। असल में फिल्स का नाम जो है ये ब्रांचेस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो ऐसी ब्रांचेस जहां पे मेगास्पोर प्रोड्यूस हो उन ब्रांचेस को मेगास्पोरोफिल्स या फीमेल कोन का नाम देते हैं और ऐसी ब्रांचेस जहां पे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हो उन ब्रांचेस को हम माइक्रोस्पोरोफिल्स का नाम देते हैं। हाँ, उसके बाद हमारे पास फीमेल कोन जो है इसके अंदर थैलिया मौजूद होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मेगास्पोरेंजिया का। मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम है ओव्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास मेगास्पोरेंजिया जो है इसके अंदर डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन डिप्लॉइड सेल्स को हम नाम देते हैं मेगास्पोर्स मदर सेल्स। 2n है, डिप्लॉइड है, क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें मेल कोन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल जो है इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक्स हैं, वो वाली थैलिया है जहां पे पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। पोलन सैक्स के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो कि माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड हैं, इनके अंदर म्यूसिस होती है और म्यूसिस के नतीजे में माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर मिस्टेक है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ आप लिखेंगे माइक्रोस्पोर्स। और ये डिप्लॉइड भी नहीं है, हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि यहाँ पे म्यूसिस हो चुकी है और म्यूसिस के नतीजे में जो सेल प्रोड्यूस हुए हैं उन सेल्स को हम माइक्रोस्पोर्स और हैप्लॉइड सेल्स का नाम देते हैं। इसी तरह जब मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर म्यूसिस होगी तो इस म्यूसिस के नतीजे में मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और इन मेगास्पोर्स को हम नाम देते हैं एम्ब्रियो सैक का। मेगास्पोर्स भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन के नतीजे में फीमेल प्रोथेलस जिसको हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं और वेस्टिजियल, वेस्टिजियल कहते हैं इंटरनल इनसाइड मेल प्रोथेलस जिसको हम हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन का नाम देते हैं। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के अंदर प्रोडक्शन है या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं आर्चीगोनिया का और मेल प्रोथेलस या हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम नाम देते हैं एंथ्रीडियल सेल का नाम देते हैं। एंथ्रीडियल सेल के अंदर मेल गैमेटिक न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है माइटोसिस के जरिए और आर्चीगोनिया जो है इसके अंदर ओस्फेयर जिसको हम एग या ओवन का नाम देते हैं ये प्रोड्यूस होता है माइटोसिस के जरिए। ओस्फेयर और मेल गैमेटिक न्यूक्लियस जो है ये पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि ये स्पर्मेटोफाइट्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम बता चुके हैं कि ये स्पर्मेटोफाइट्स हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। पोलन ट्यूब के जरिए आर्चीगोनिया के अंदर मेल गैमेटिक न्यूक्लियस चला जाता है और वहां पे क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में प्रोडक्शन होती है जायगोट की। जायगोट डिप्लॉइड है, इसकी फिर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी और ये दोबारा एक नए
पाइनस ट्री जो है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन जो है उसको क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। तो ये है जी लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है, नहीं तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आ सकता है। जिस तरह आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज आप इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके बुक के अंदर मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि कौन सी डिवीजन हुई है, मियोसिस हुई है। तो ये है जी लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, या हम दूसरा नाम देते हैं नेकेड सीडेड प्लांट्स। उसके बाद हमारे पास है जी लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आपकी बुक के अंदर सिर्फ फ्लोशी डायग्राम दी गई है, उसमें बाकी जो स्ट्रक्चर है, जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहां से आप लोगों को समझ नहीं आनी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम इंसर्ट की है ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। तो एंजियोस्पर्म्स किसे कहते हैं? हाँ जी, एंजियो का मतलब है क्लोज्ड, स्पर्म्स का मतलब है सीडेड प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड क्लोज्ड होते हैं, इनसाइड फ्रूट प्रेजेंट होते हैं, उन सीड उन प्लांट्स को हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स का। हाँ बेटा, यही लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसी साल COVID-19 जो स्पेशल एग्जाम हुआ है सेकेंड ईयर का, उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है। किस तरह आया था आप इसको नोट कर ले, मैं बता रहा हूँ। डिफाइन डिप्लोहेप्लांटिक लाइफ साइकिल, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। डिप्लोहेप्लांटिक लाइफ साइकिल जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी थी, और ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म जो है ये आप लोगों ने ड्रा करना था, जैसा कि आपकी बुक के अंदर ड्रा किया हुआ है। हाँ जी, इसको कहां से हम स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हमारे पास है जी यंग स्पोरोफाइट। यंग स्पोरोफाइट जो है ये क्या है, डिप्लॉइड होती है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल होते हैं। और इसकी एग्जांपल हम मैंगो दे सकते हैं, इसकी एग्जांपल एप्पल दे सकते हैं, लेमन दे सकते हैं, ऑरेंज, यानी ज्यादातर हमें जो प्लांट्स नजर आते हैं वो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स। तो यंग स्पोरोफाइट्स के अंदर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक को हम एंड्रोशियम का नाम देते हैं, दूसरे को हम गाइनेशियम का नाम। गाइनेशियम जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं, और एंड्रोशियम जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। एंड्रोशियम के अंदर जो मेल गैमेट्स या मेल सेक्स ऑर्गन है उसको स्टेमन का नाम देते हैं, जबकि गाइनेशियम के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम कार्पल का नाम देते हैं, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये एंथर कहलाता है। असल में स्टेमन जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ये थैली जो है, इस थैली को हम नाम देते हैं एंथर का, और नीचे ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं फिलामेंट का। गाइनेशियम के अंदर कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्पल के अंदर भी तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम नाम देते हैं स्टिग्मा का, ये वाली जो ट्यूब है इधर से लेकर ये इधर तक इसको हम नाम देते हैं स्टाइम का, और ये थैली लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इसको हम नाम देते हैं ओवरी का, और ओवरी के अंदर डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन डिप्लॉइड सेल्स को हम नाम देते हैं ओव्यूल का। तो ये ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ओवरी के अंदर, और ये स्टेमन जो है ये प्रेजेंट होता है, स्टेमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंथर, और एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो यहां पे आप देखेंगे जो गाइनेशियम है उसको नाम देते हैं मेगास्पोरेंजियम का, और जो स्टेमन है उसको नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का। मेगास्पोरेंजियम जैसा कि अभी लास्ट हमने जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पढ़ा, वो वाली थैली है जिसके अंदर मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम वो वाली थैली है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेगास्पोरेंजियम जो है इमेच्योर ओव्यूल है, और इसके अंदर डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको न्यू सेल्स का नाम देते हैं, और ये इसके अंदर एक सेल प्रेजेंट है जिसको मेगास्पोरोसाइट या मेगास्पोर मदर सेल्स का नाम देते हैं। आपकी बुक के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो मेगास्पोर मदर सेल्स लिखा हुआ है, मेगास्पोरोसाइट की जगह। और इसके अलावा जिस तरह की स्ट्रक्चर दिखाया गया है ओव्यूल का, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये माइक्रोस्पोरोसाइट, असल में माइक्रोस्पोरोसाइट माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। ये आपको चार सेल्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ये चार सेल्स जो हैं इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, जिनके अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस के नतीजे में ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन को। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपकी बुक के अंदर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे क्या होती है, मियोसिस होती है, यहाँ पे मियोसिस आप लिखेंगे।
इस जगह पे भी मियोसिस होती है और यहां पे भी क्या होती है, मियोसिस होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड करते हैं मियोसिस के जरिए, तो चार सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं और ये टेट्राड कहलाते हैं। और मेगा स्पोरोसाइट है जिसको मेगा स्पोर मदर सेल्स कहते हैं, इनके अंदर डिवीजन होती है और ये प्रोड्यूस करता है मेगा स्पोर्स। यहां पे भी आप देख सकते हैं तीन छोटे सेल्स हैं और एक जो है वो क्या है, बड़ा सेल है। अब मेगा स्पोर जो है ये प्रोड्यूस करता है मेगा गैमेटोफाइट जिसको फीमेल गैमेटोफाइट का नाम देते हैं, और माइक्रो स्पोर जो है ये प्रोड्यूस करता है माइक्रो गैमेटोफाइट जिसके अंदर पोलन ग्रेन जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हीं में से जो सेल्स प्रेजेंट है, ये माइक्रोस्पोर सेल्स प्रेजेंट है, इनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक सेल को जेनरेटिव सेल का नाम देते हैं, दूसरे सेल को ट्यूब सेल का नाम देते हैं। दरमियान में इसके अंदर आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। जेनरेटिव सेल जो है ये डिवाइड करता है और ये प्रोड्यूस करता है ट्यूब न्यूक्लियस को, और साथ में प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, जबकि दूसरा जो ट्यूब सेल है ये डिवाइड करता है और ये प्रोड्यूस करता है पोलन ट्यूब को। इस पॉइंट को आप गौर से समझेंगे, ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। जेनरेटिव सेल्स डिवाइड करके प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन या जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस या स्पर्म का नाम देते हैं, और ट्यूब सेल जो है ये डिवाइड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं पोलन ट्यूब को फॉर सेफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। इसी तरह मेगा गैमेटोफाइट के अंदर एम्ब्रियोसाइट प्रेजेंट है, इसके अंदर माइटोसिस होती है, माइटोसिस के नतीजे में स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, तीन स्ट्रक्चर या तीन सेल्स जिनको एंटीपोडल बॉडीज का नाम देते हैं, ये एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट है, इसके अंदर ये दो सेल्स ये पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं या पोलर बॉडीज कहलाती हैं, और दरमियान में एग प्रेजेंट होता है और इसकी साइड पे बॉडीज प्रेजेंट है जिनको साइनर्जिड का नाम देते हैं। अब यहाँ पे जो एंटीपोडल बॉडीज और साइनर्जिड है, इन दोनों का फंक्शन है कि ये स्पर्म को या पोलन ग्रेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, केमिकल सेक्रीशन रिलीज करते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। एग जो है ये फ्यूज करता है स्पर्म के साथ और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, जाइगोट का नाम देते हैं। आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, अगर आप इसको भी फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहां पे एक जो मेल न्यूक्लियस है वो फ्यूज करता है एग के साथ और प्रोड्यूस करता है जाइगोट, ये एक दफा फर्टिलाइजेशन हो गई। इसी तरह दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है जिसको हमने क्या नाम दिया है, ट्यूब न्यूक्लियस का नाम दिया है, ये फर्टिलाइज होता है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियस के साथ या टू पोलर बॉडीज के साथ। इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, टू पोलर बॉडीज मीन दो न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस जो है जो मेल गैमेट का, तीन न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज होते हैं तो ये 3N स्ट्रक्चर बनता है, और इस 3N स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या ट्रिपलाइट या ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस का नाम भी देते हैं। यानी एक मेल न्यूक्लियस आता है और दो पोलर बॉडीज आती हैं फीमेल गैमेटोफाइट से, इनकी फ्यूजन होती है और ये ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म टिश्यू, और एंडोस्पर्म टिश्यू जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है खुराक के तौर पर। एक सीड, अब देखें जाइगोट बन गया और दूसरा क्या बन गया, एंडोस्पर्म टिश्यूज बन गए। अब यहाँ पे क्या होता है, और इसी अमल को हम पोलिनेशन का नाम भी देते हैं, और ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये करैक्टर है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेल न्यूक्लियस एग के साथ फ्यूज हुआ, एक फर्टिलाइजेशन हो गई, और दूसरा मेल न्यूक्लियस जो है वो किसके साथ, पोलर बॉडीज के साथ फ्यूज हुआ, दूसरी फर्टिलाइजेशन हो गई, और एक फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनता है, दूसरी फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो कि फूड के तौर पर एक्ट करता है इन द सीड। अब सीड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, सीड की डेफिनेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है उसको हम नाम देते हैं सीड का। ये सीड की बाहर कवरिंग प्रेजेंट है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसके अंदर फूड प्रेजेंट होती है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो एम्ब्रियो ग्रो करता है और इस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म टिश्यू जो कि खुराक के तौर पर प्रेजेंट होते हैं इनको इस्तेमाल करता है, और फेवरेबल कंडीशन या एनवायरनमेंट के अंदर सीड ग्रो करके दोबारा यंग स्पोरोफाइट या डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट जो है उसको प्रोड्यूस कर देता है। तो ये है जी लाइफ साइकिल ऑफ
एंजियोस्पर्म। इसमें आप देख सकते हैं ये रेड वाली लाइंस हैं, ये इंडिकेट करती हैं हैप्लॉइड स्टेजेस को, और ये ब्लू वाली लाइंस हैं ये इंडिकेट करती हैं डिप्लॉइड स्टेजेस को, यानी 2n है, और ये रेड वाला स्टेजेस जो है ये सारे के सारे 1n होते हैं। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, और कहीं से अगर समझ ना आई हो, तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को सेटिस्फाई किया जाएगा। नहीं तो थर्सडे को आप लोगों ने आना है, और अगर किसी को कोई मसला हो तो मेरे से वो डायरेक्ट आके इस लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म को समझ सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।